20वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 21वीं सदी में शांति और समृद्धि का युग प्रारंभ होगा, किंतु 9/11 की न्यूयॉर्क की घटना और 26/11 की मुंबई की घटना ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गति से तो कहीं तेज गति से विश्व के हर देश तक जा पहुंचा। भारत तो कई दशकों से इसका दंश भोग रहा है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है, और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना। अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है, इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहाँ पनाह देकर उसे छिपा के रखा हुआ था। पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पे झेप न माथे पे शिकन, जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही ना हो। और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार जारी है। 9/11 का मास्टरमाइंड तो मारा गया, किंतु 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता है, सरेआम भारत को धमकियां देता है। पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। ये पूरी तरह असत्य है। पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। हमने उनका प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन चंद घंटों बाद ये खबर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया। क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती? आए दिन पाकिस्तान हम पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है। अध्यक्ष जी, मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तो आतंकवादी करते हैं जो निर्दोष लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, लेकिन पाकिस्तान किनकी पैरवी करता है? वो पैरवी करता है मारने वालों की, और जो मारे जाते हैं उन पर चुप्पी साध लेता है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना, गलत तस्वीरें दिखाकर मानवाधिकार के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाना पाकिस्तान की आदत बन गई है। ये घटना अध्यक्ष जी इसी सभागार में घटी थी, और पुरानी नहीं, पिछले वर्ष घटी थी, जब पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने राइट टू रिप्लाई का उपयोग करते हुए अपने उत्तर में एक दूसरे देश की तस्वीर दिखाकर भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन की तोहमत। ये विडंबना है कि हम आतंकवाद से लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी कौन है इसे परिभाषित भी नहीं कर पाते। उस बुराई से हम कैसे लड़ेंगे अध्यक्ष जी, जिसकी परिभाषा हम तय नहीं कर पाएंगे? इसीलिए विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहे जाते हैं, और उन आतंकवादियों की क्रूरता वीरता कही जाती है। पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकालकर उन्हें महिमा मंडित करती है। अध्यक्ष जी, ऐसे कृत्यों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कब तक चुप बैठकर देखते रहेंगे? ऐसे करतूतों की कब तक हम अनदेखी करते रहेंगे? यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का ये दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा और इस दावानल में पूरा विश्व जल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब